नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील में बदलाव लाने का फैसला लिया है और सरकार के इस फैसले के तहत अब हफ्ते में 2 दिन बच्चों को अंडा खिलाया जाएगा और सरकार के इसी फैसले का विरोध भी अब शुरू हो गया है। कबीर पंथ समाज ने स्कूली बच्चों को अंडा दिए जाने पर विरोध जता दिया है। समाज ने इस फैसले को वापस लेने की भी मांग की है। तो इधर सरकार के फैसले पर कबीर पंथ समाज की मांग के बीच बीजेपी ने भी सियासी रणनीतिक चाल चल दी है और बीजेपी ने यह कहकर मामले को छेड़ा है कि ऐसे फैसले लेने से पहले सरकार को अलग अलग समाज की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की चर्चा इसी बेहद ही खास मुद्दे पर, अंडे पर अनबन। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के बच्चों में बढ़ते कुपोषण से बेहद चिंतित है और अब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार नई पहल करने जा रही है जिसके चलते बच्चों को कुपोषण से निजात मिल सके। अब सरकार मिड डे मील में बच्चों को अंडा खिलाने की तैयारी में है जिसका कबीरपंथ समाज जमकर विरोध कर रहा है। चलिए अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं कि क्या है सरकार की कुपोषण से निपटने की तैयारी। राज्य सरकार प्रदेश के स्कूली बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मध्याह्न भोजन में सप्ताह में 2 दिन अंडा खिलाने की तैयारी में है। बीते दिनों केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था लेकिन वहां से राशि स्वीकृत नहीं हो पाई। लिहाजा सरकार ने फैसला लिया है कि बच्चों को जिला खनिज फंड की राशि से अंडा दिया जाएगा। प्रदेश में जितने बच्चे हैं उतने अंडे का उत्पादन नहीं हो रहा, इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि अब गांव में मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को कई जिलों में पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए अवसर देकर उन्हें रोजगार की गारंटी भी दी जाएगी। सरकार अंडा खरीदने की जिम्मेदारी संभालेगी। कई जिलों में पशुधन विभाग को अंडे की उत्पादन कराने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल विभाग पोल्ट्री फार्म लगाने और हर जिले में अंडे की आपूर्ति के लिए कार्य योजना बना रहा है। रायपुर समेत प्रदेश के सुदूर अंचलों के बच्चों को इस साल अंडा खाने के लिए मिलेगा। इधर सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विधायकों ने स्वागत किया है, साथ ही उन्होंने कहा है कि 2 की जगह 3 अंडा दिया जाए। विधायकों ने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। अभी कुछ संगठन और कुछ जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो ऐतिहासिक निर्णय है, जो मध्याह्न भोजन में अंडा खीर और दूध देने की बात है, उसका कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं। इधर कबीर पंथ समाज ने कवर्धा में सरकार के इस फैसले का तीखा विरोध किया है। समाज ने सरकार के इस फैसले को वापस लिए जाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। कबीर पंथ के इस रुख को बीजेपी ने भांपते हुए सियासी बयान देना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि ऐसा फैसला लेने से शाकाहारी वर्ग से जुड़े लोगों को दिक्कत हो सकती है, लिहाजा सरकार को सामाजिक भावना को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। 19 में यहाँ जो चालू हो रहा है ये अनुचित है। इनका हमारे हुजूर प्रकाश इनाम साहब इनका विरोध कर रहे हैं, हम उनका अनुयायी हैं और ये आज हम लोग उन्हीं का ज्ञापन देने जा रहे हैं और आगे भी हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरा इसके चक्का जाम कर इसको बंद कराएंगे। ये मूलतः जो ऐसा समाज है जो शुद्ध शाकाहारी है, खासतौर से कबीर पंथ के मानने वाले उपासक लोगों की भावना ये रही है कि इसको सबके लिए कंपल्सरी ना किया जाए। हालांकि कबीर पंथ समाज की नाराजगी और बीजेपी के बयान के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि जो बच्चा अंडा नहीं खाते उन्हें दूध या न्यूट्रिशंस का खाद्य पदार्थ दिया जाएगा। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए बच्चों को सोयाबीन से बने पकवान देने का निर्देश पहले दिया गया था, जहां इन निर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है उन्हें पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। बच्चों को अंडे के विकल्प के रूप में सुगंधित सोया दूध, सुगंधित एनिमल मिल्क, प्रोटीन क्रंच, फोर्टिफाइड बिस्किट, सोया बड़ी, मूंगफली चिक्की, सोया पापड़, फोर्टिफाइड दाल आदि दिए जा सकते हैं। गौरतलब है साल 2018-19 में सरकार ने स्कूली बच्चों को परोसे जा रहे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांची थी। इसमें 38% स्कूलों में कम प्रोटीन और कैलोरी वाला भोजन देना पाया गया। बहरहाल अब जब कबीरपंथ समाज के विरोध को बीजेपी की हवा मिल रही है तो जाहिर है आने वाले दिनों में उस मुद्दे को लेकर आंदोलन की तस्वीर देखने को मिले। कैमरामैन रेखराम देवांगन के साथ आशीष तिवारी, सुराज एक्सप्रेस, रायपुर।
और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री चंद सुंदरानी, पूर्व बीजेपी विधायक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करेंगे। सुंदरानी जी, संडे हो या मंडे, बच्चे रोज खाएं अंडे और जमकर बनाएं अपनी सेहत, तो क्या दिक्कत? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सरकार ने जो निर्णय लिया है, सभी पक्षों के धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रख के लिया जाना चाहिए। अंडे किसी को खिलाएं, प्रोटीन मिले, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उन समाजों के बारे में, उन वर्गों के बारे में, उस धर्म के बारे में, जैसा कबीरपंथियों ने विरोध किया, बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते, जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो अंडे नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, और उनकी जो आने वाली पीढ़ी जो तैयार हो रही है, जाने अनजाने में जब परोसा जाएगा और जब पंगत में बैठ के खाना खाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके सामने भी अंडे जैसी बात आएगी। सुंदरानी जी कह तो रहे हैं ना, सुंदरानी जी कहा तो ये भी जा रहा है ना कि उसकी भी एक ऑल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी, जो अंडे नहीं खा रहे हैं उनको सोया प्रोटीन मिल्क दिया जाएगा, चंकीज दी जाएंगी, ये तमाम चीजें, उनको सोयाबीन की मात्रा वहां पे बढ़ाई जाएगी, ये भी तो प्रोविजन है। लेकिन व्यवस्था को शुरू होने से पहले हम उसको दरकिनार भी तो नहीं कर सकते। हाँ नहीं गौरी जी, एक बात, जो अभी हमारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, उनको नहीं पता अंडा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसके मित्र खाते हैं, उनके दोस्त खाते हैं, उनको बोलते हैं अच्छी चीज है, वो भी खाने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कारों में भटकाव तो आएगा ना, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं का उन्माद तो होगा ना जी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये भी तो तर्क सामने आ रहा है, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि संस्कारों में भटकाव आएगा, लेकिन उसी भटकाव से बचने के लिए भी तो अल्टरनेट व्यवस्था भी की जा रही है, जहाँ पे इस समुदाय के लोग ज्यादा हैं वहाँ पे अंडे का शायद वितरण ही ना किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे, मतलब भूपेश बघेल सरकार में अंडे दिए जा रहे हो, 2013 में जब आपके प्रदेश में सरकार थी तब भी अंडे दिए गए थे मिड डे मील में, ये भी नहीं भूलना चाहिए सुंदरानी जी। फिर नहीं नहीं, हम कहाँ भूल रहे, हमने 2013 में अगर दिया था, कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास हुआ, धार्मिक भावनाओं की बात, और हमारी आने वाली पीढ़ी नॉनवेज की तरफ न जाए, अंडे की तरफ न जाए, ये भटकाव समाज में ना आए, इसीलिए हमने आगे नहीं दिया। और मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि क्योंकि बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, उनके वो ये पता नहीं कि नॉनवेज क्या है, वेज क्या है, अगर उनके सामने परोसा गया और उन्होंने खाना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं तो आहत होगी ना। तो सुंदरानी जी, अब कुल मिला के आपका कहने का मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये भी निकल रहा है कि नॉनवेज खाने से लोग भटकाव की ओर भी जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं उस समाज से हूँ जहाँ नॉनवेज का उपयोग होता है। मैं हालांकि मैं नॉनवेज को पसंद नहीं करता, मेरे घर में यूज नहीं होता, मेरे घर में नहीं बनता, लेकिन एक जमाना था मेरा पूरा परिवार खाता था, मैं स्वयं भी खाता था। मैं इस बात को नहीं कहता कि नॉनवेज खाने वाले लोग भटक जाते, लेकिन जो हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उनको अगर नॉनवेज परोसा जाएगा, अंडा परोसा जाएगा, निश्चित रूप से कुछ लोग उसमें, जो नहीं खाने वाले परिवार है, जिन परिवारों में ये संस्कार नहीं नॉनवेज खाने का, नॉनवेज खाने उनकी परंपरा नहीं है, तो उन समाजों को तो नागवार गुजरेगा ना। लेकिन कई ऐसी फैमिलीज हैं, इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि कई ऐसी फैमिलीज हैं, मेरे भी कई ऐसे परिचित हैं जिनके यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है, जिनके यहाँ प्याज और लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे बाहर नॉनवेज खाते हैं, एग खाते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की चॉइस पे। लेकिन जब यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि भाई हम इसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो अंडा नहीं खाते हैं, हम उनके लिए उस तरह से व्यवस्था करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को वाकई में, आप भी जानते हैं कि कुपोषण से ग्रसित पूरा प्रदेश है, और कितने बच्चों की मौत हो जाती है कुपोषण के चलते, उनको बेटर एक डाइट मिल नहीं पाता है। तो जब शुरुआत हो रही है, होने दीजिए, गड़बड़ी होगी, इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ी होगी, तो हम तब विरोध करें, तब हमें ज्यादा बेटर लगेगा कि क्यों हम विरोध कर रहे हैं। गौरी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ,
लेकिन आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो अभी बेचारे नया जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनको प्रोटीन की जरूरत है, उनको आवश्यकता है, लेकिन क्या वे अपने धार्मिक आधार को बचा पाएंगे? जैसे संस्कार, मैंने कहा, आपने एक बात कही कि जिन परिवारों में प्याज और लहसुन भी नहीं बनता उनके बच्चे जाके होटलों में नॉनवेज खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं। मैं सहमत हूँ, अक्षरतः सहमत हूँ इस बात से। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ क्योंकि उनको ऐसी मित्रता मिली, ऐसा एक ग्रुप मिला, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। हाँ, बहुत सारे लोग हमारे परिवार में, मैं आपको बता रहा हूँ 99% परिवार के सदस्य मेरे परिवार, मुझे समाज अलाउ करता है, मुझे खाने में हम लोग खाते रहे, लेकिन चूंकि हमारी पीढ़ी को एक ऐसा मिला कि वो खाना नहीं किए चालू, हमारे बच्चे चालू नहीं कर पाए, लेकिन उनको वैसी दोस्ती मिलती, वैसा पोजीशन मिलता जो हमको मिला था, हमारे समाज से हमको जो संस्कार मिले थे, हमने खाना शुरू किया, हम खाते थे खुद, हम खुद खिलाते थे लोगों को, लेकिन धीरे धीरे धार्मिक मान्यताएं, धीरे धीरे संतों के जो आदर्श मिले, उससे हमारा परिवार दूर होते गया। ऐसे बहुत सारे लाखों परिवार होंगे जो नॉनवेज खाते होंगे, अब नहीं खा रहे, ऐसे भी परिवार होंगे जो नहीं खाते थे वो खा रहे होंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ये छोटी जो छोटे बच्चे जो है, जो नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमारे संस्कार हमको इजाजत देते कि नहीं देते, हमारी धार्मिक भावना हमें इजाजत देती कि नहीं देती, लेकिन मित्रता के साथ साथ वो खाना शुरू कर देंगे। लेकिन सरकार कह रही है ना कि सरकार ये भी कह रही, चलिए हम डिबेट में मानिकपुरी जी जो हैं उनको, हम कबीर पंथ नाथू दास मानिकपुरी जी को भी डिबेट में ज्वाइन कराते हैं। कबीर साहब, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मानिकपुरी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है जी। मानिकपुरी जी, जिस तरह से पूरा कभी एक पूरे समुदाय ने इसका विरोध किया है कि बच्चों को मिड डे मील में अंडा नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकार कह रही है कि हम हर किसी को नहीं देंगे, जो लोग खाते हैं हम सिर्फ उन्हीं को ही अंडा देंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? सरकार एक व्यवस्था कर रही है तो दिक्कत क्या है फिर? देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों की संख्या कुल 40% जनसंख्या, 40% से अधिक छत्तीसगढ़ में कबीरपंथी हैं। ठीक ठीक ठीक, अब बात पूरी कीजिए सर, बोलते जाओ। हाँ, तो इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक जनसंख्या कबीरपंथ की है, जिसमें सभी जाति के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं, और चूंकि हमारे जो आराध्य हैं कबीर साहब का सादा जीवन उच्च विचार, कबीर पंथियों का मुख्य जो ध्येय है सादा जीवन उच्च विचार, और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं और बहुत सारे धार्मिक संगठन और विज्ञान के अनुसंधान में भी ये बात आई है कि जो ज्यादा सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक विचार, शाकाहार जो अपनाते हैं, वो दीर्घायु होते हैं और उनका दिमाग भी तेजी से चलता है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार इसका अलग अलग खाने वाले लोग हैं उनके लिए अलग, इनके लिए अलग, ऐसी व्यवस्था करने की बात कर रही है, तो ये तो संभव नहीं है क्योंकि एक ही जगह में मध्याह्न भोजन बनता है, अभी तो अलग अलग संचालन कर पाना संभव नहीं है। और रही बात तो कुपोषण से बचने की, तो उसके विकल्प के रूप में भी है, आप सोयाबीन के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको भी आप प्रोटीन के रूप में या चने से संबंधित चीज है उनको ला सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि जो अंडा होता है उसमें एक जो 25 ग्राम हरे धनिया का में जितना प्रोटीन होता है, वो चार अंडे में जितना प्रोटीन नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा 25 ग्राम हरे धनिया में होता है। तो उसके विकल्प कई हैं, अगर इस तरीके से करेंगे, इसका विकल्प भी अगर लाया जा सकता है, तो अंडा ही कोई उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे बहुत सारे जो कबीर पंथ के अनुयायी हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, और इसी धार्मिक भावनाओं से आहत होकर के हमने सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि ये जो आदेश हुआ है इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का परिप्रेक्ष्य और दूसरे दिगर राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कबीर पंथियों की संख्या बहुत अधिक है, और क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो बोलते हैं, सबसे अच्छे इसलिए होते हैं कि ज्यादातर लोग कबीर के और बाबा गुरु घासीदास के अनुयायी हैं और ये सादा जीवन उच्च विचार वाले हैं, इसलिए इनका जो नींव है एक अलग ही पहचान बनाती है।
और इनके आप नौनिहालों में ही मतलब छोटे बच्चों को ही आप अंडा परोस देंगे, छोटे बच्चों में ही ये संस्कार ला देंगे, तो वो प्रवृत्ति जो है तेजी से बढ़ेगी और इसका प्रभाव सामाजिक रूप से अच्छा नहीं जाएगा। मानिकपुरी जी, जिस तरह से जैसे कबीर पंथी हैं वो नॉनवेज को नहीं खाते हैं, वो नॉनवेज टच नहीं करते हैं, ये आप लोगों के संस्कार हैं, लेकिन जो खा रहे हैं, जिन बच्चों को जरूरत है और जिनका जो आचरण और विचार है जो बचपन से देख रहे हैं, उनको फिर किस बात की सजा? उनको तो मिलना चाहिए। अगर सरकार अल्टरनेट व्यवस्था कर रही है तो खाने पीने सोचने विचार में क्यों इसका विकल्प सरकार क्या आपका विरोध 2013 में सर हमने आपका विरोध सर हमने कबीर पंथियों का विरोध 2013 में नहीं देखा था, जब रमन सिंह की सरकार थी और रमन सिंह ने मध्याह्न भोजन में मिड डे मील में अंडे को लागू कर दिया था, अंडा दिया था, तब हमने विरोध नहीं देखा था 2013 में। उस समय भी इस बात को उन्हें अवगत कराया था, ऐसा नहीं है, पहले भी सरकार किसी की भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करता है जिसे बड़ी धार्मिक भावनाएं हाथ होती है, हमारे सिर्फ कबीर पंथ ही नहीं है, कबीर पंथ के अलावा राधा स्वामी है, जैन समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, बहुत सारे समाज के लोग हमको लगातार समर्थन कर रहे हैं, और इनके समर्थन के साथ साथ हमारा एक बड़ा वर्ग है 50% से ऊपर लोगों का समर्थन हमको है। जब 50% जनता ये नहीं चाहती, 50% से अधिक जनता ये नहीं चाहती कि मिड डे मील में अंडा दिया जाए, तो सरकार को इस पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि सकारात्मक फैसला लिया जाना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे वर्ग विशेष के खाने पीने पे आप रोक नहीं लगा सकते ना। हो सकता है सरकार कोई बेहतर विकल्प, सरकार को भी देखना है कि किसी दूसरे वर्ग विशेष ने इस प्रकार से कोई मांग किया है क्या? किसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई मांग नहीं हुई है। जो सर मिड्डे मील के लिए भी पहले से मीनू बने हुए हैं, उस मीनू के आधार पर भी अगर मालिकों को भोजन दिया जाए तो सारे पोषक तत्वों का अवयव जो है आ जाएंगे। मानिकपुरी जी, मानिकपुरी जी से लेकर शनिवार तक उसके मीनू बने हुए हैं ना। सुन लीजिए मानिकपुरी जी, स्कूलों में मिड डे मील के लिए भी किसी भी वर्ग विशेष और समुदाय से मांग नहीं की गई थी, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने देश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो खाने के पीछे जो मजदूरी करते हैं और मजदूरी के चलते जिनके पेट जो अपना पेट पालने के लिए स्कूल नहीं जाते जा पाते थे, उनकी वजह से मिड डे मील की शुरुआत की कि बच्चों को एक वक्त का खाना स्कूलों में मिलेगा तो वो कम से कम पढ़ने तो जाएंगे, स्कूल तो जाएंगे, साक्षर बनेंगे। इसकी भी शुरुआत किसी वर्ग विशेष ने नहीं की थी सर, ये भी सरकार ने ही ये फैसला लिया था। नहीं नहीं नहीं, ये तो देखिए जो ज्यादातर बड़े वर्ग का जो बड़े वर्ग की जो धार्मिक भावनाएं हाथ हो रही है इसमें, और ऐसा नहीं है कि अंडे का विकल्प नहीं है, अंडे का विकल्प है, चना है, सोयाबीन है, इससे सोयाबीन के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिलेगा और किसान और उत्पादन करेंगे, सोयाबीन से संबंधित और भी उत्पादन हो सकते हैं, और जो मीनू के आधार पे ही अगर उनको रुचिकर भोजन दिया जाए अंडे को छोड़ करके, ठीक है, तो उनका विकल्प पूरा हो जाएगा। आप चटनी अचार जो भी देते हैं उससे भी तो उनका चना मुर्रा जो देते हैं उससे भी उनका प्रोटीन का जो खालीपन है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है जो ऐसा नहीं है सरकार ने कहा है कि हर तरह की अल्टरनेट व्यवस्था की गई है, दूध का भी जिक्र किया गया है, सोयाबीन चंकी का भी जिक्र किया गया है, चने मुरमुरे इन तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पे सरकार ने किया है, और साथ ही सोयाबीन की बड़ी और सोया जो मिल्क है उसके बारे में भी सरकार ने कहा है कि हम हर चीज एक मेन्यू तैयार करेंगे और अल्टरनेट डेज के हिसाब से हम बच्चों को मिड डे मील देंगे। सुंदरानी जी, अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, क्योंकि आप लोगों ने तो मतलब समर्थन दे दिया है और आप लोगों को तो एक और मौका मिल गया है, अगर सरकार फैसले को वापस नहीं लेती है तो अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम इसे पार्टी स्तर पे निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से अगर जन समुदाय इसके विरोध में तो हम भी उसकी आवाज बनेंगे, हम हिस्सा बनेंगे उनका, और हमको अगर सरकार का विरोध करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से करेंगे। एक बात गौरी जी, आपने कहा कि जिन लोगों को खाना है, जो लोग खाते हैं पारिवारिक रूप से सामाजिक रूप से खाते हैं, उनका हक क्यों छीना जाना चाहिए, उनको क्यों रोक देना? देखिए, हम उनको रोकना नहीं चाहते, उनको परिवार की तरफ से वो सुविधा उपलब्ध हो जाए, शासन क्यों हिस्सा बने ये विवाद का? ठीक है, शासन हिस्सा नहीं बने तो फिर शासन को तो फिर किसी भी चीज के लिए हिस्सा नहीं बनना चाहिए। सुंदरानी जी, आपकी बात से तो तात्पर्य ये भी निकलता है फिर। नहीं,
नहीं गौरी जी, दूध पिलाएं, सोयाबीन बड़ी खिलाएं, धनिये का बताया मुझे आज एक अच्छी जानकारी आपके चैनल में आने को मिला कि 25 ग्राम धनिये में 4 अंडे के बराबर का प्रोटीन मिलता है जी। तो मतलब आज आपके आने के बाद गौरी जी मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, कुछ जानकारियां मुझे और मिली यहाँ से। सर स्वराज एक्सप्रेस का मकसद ही ये रहता है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं, जो जन सरोकार के जो मुद्दे रहते हैं, जिनसे जन सरोकार का फायदा हो, उन तमाम चीजों को प्रमुखता से उठाना ही स्वराज एक्सप्रेस का हमेशा से मकसद रहा है। निश्चित रूप से बिल्कुल निश्चित रूप से गौरी जी, मैं स्वराज एक्सप्रेस आने से चूकता भी नहीं हूँ बिल्कुल। और एक सार्थक के कॉन्वर्सेशन के लिए ये बेहद जरूरी भी है मानिकपुरी जी, क्योंकि जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, जाहिर सी बात है 2013 में भी फैसले को वापस ले लिया गया था और सरकार इस बार भी, जाहिर सी बात है अगर ज्यादा दबाव रहेगा और ज्यादा लोगों की संख्या, हम दबाव नहीं बना रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, हम दबाव नहीं बना रहे हैं। अगर एक व्यापक व्यवस्था के साथ हम दबाव कहीं नहीं बना रहे हैं, हम तो सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और हमारे धर्मगुरु पंत श्री प्रकाश मुनि नाम साहब जी ने भी लगातार आह्वान किया और उनका मार्गदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत के और बहुत सारे लोगों को मिलते रहता है, उनके उनके वाणी वचनों को सुन करके मानव जीवन के लोग उनको अपनाते हैं और एक नई क्रांति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जब वे आह्वान कर रहे हैं, सरकार से आह्वान कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, सरकार अगर आप लोगों से सुझाव मांगती है, क्या सुझाव आप देंगे? और दूसरी चीज, अगर सरकार ये आश्वासन देती है कि अगर हम अंडे बच्चों को मिड डे मील में दे रहे हैं तो उसकी हम एक व्यापक सुचारू रूप से व्यवस्था करेंगे, फिर बच्चों को देंगे, जो कबीरपंथी और जो जैन समुदाय, जो अन्य ऐसे जो लोग हैं जो वाकई में नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाएगी, तो क्या आप लोगों की रजामंदी रहेगी? नहीं नहीं, मेरा सीधा ये आग्रह है कि स्कूल में नई परिपाटी क्यों, आप नॉनवेज की नई परिपाटी क्यों डाल रहे हैं स्कूल में, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसके विकल्प में वस्तुएं हैं ना, उसका समुचित ढंग से वितरण करें, उसकी सही ढंग से मॉनिटरिंग करें। अगर कोई कुपोषित बच्चा है और उसको प्रोटीन का अभाव है तो उसके तो और भी माध्यम है, उस माध्यम से उनको दे बच्चों को। हालांकि मानिकपुरी जी, साग भाजी उपलब्ध कराए, स्कूल में हुआ करती थी, मॉनिटरिंग अच्छे से कराए। हालांकि मानिकपुरी जी, जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो कई मेरे जो क्लासमेट है जो नॉनवेज स्कूल में लेके आते थे और खाते भी थे, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता था कि ये कौन सी नई परिपाटी आप डाल रहे हैं। संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि उसको क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है। ठीक है, एक ज्यादा वर्ग विशेष की अगर भावनाएं आहत हो रही हैं तो वाकई में सरकार को भी फैसला लेने से पहले सोचना चाहिए और ये भी विचार करना चाहिए कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से मैं यही कह रही हूँ कि अगर सरकार इस तरह का कोई विचार कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है तो सरकार को भी एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि इससे कितने लोगों की जनभावनाएं आहत होती हैं और इसके इम्प्लीमेंटेशन से इसके दूरगामी परिणाम आखिर क्या रहेंगे। कई ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, देखने वाली बात यह होगी कि सरकार आखिर क्या फैसला लेती। बहुत शुक्रिया मानिकपुरी जी चर्चा में शामिल होने के लिए, सुंदरानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की चर्चा से इतना तो साफ है कि जिस तरह से अंडे पे जो अनबन छत्तीसगढ़ में अब शुरू हुई है, आखिर इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या वाकई में सरकार एक बार फिर से रिवाइज करेगी अपने फैसले को लेके कि जो इम्प्लीमेंटेशन वो करने जा रही है, क्या बच्चों को वाकई में मिड डे मील में अंडा देना सही है या नहीं, इस पे भी देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।